नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में वैकेंसी बताने जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों जो आई है वैकेंसी वो गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, डिगबोई व बोंगी गाँव में। दोस्तों ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसका पे स्केल जो रखा गया है 25,000 से 1,05,000 के पास में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा। इसमें साथ में कुछ आपको अदर बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको मैं पूरा बताऊंगा, बने रहे मेरे चैनल के साथ में। दोस्तों वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ प्रोडक्शन, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फिफ्थ PNDU, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा, डिगबोई एंड बोंगीगांव रिफाइनरी के लिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ मैकेनिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट फोर, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ फायर एंड सेफ्टी के लिए, जूनियर मटेरियल असिस्टेंट फोर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर, जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट फोर। दोस्तों ये जो वैकेंसी, जैसे यहाँ पे एक बार और आपको समझा दूँ मैं, आपको मैंने वैकेंसी तो बता दी। जैसे जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, ये गुवाहाटी में टोटल 28 है, जो कि जैसे अनरिजर्व के लिए 11, EWS के लिए 3, SC के लिए 3, ST के लिए 3, OBC के लिए 8 और PWD के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। इस हिसाब से दोस्तों आप अपना देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन को कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके ईजिली इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है ये पोजीशन है वो 1, 2 और 3 शिफ्ट के लिए, मतलब 3 शिफ्ट में रहेगा और आपको उसी के हिसाब से आपके जॉब का वर्क रहेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन भी है वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, जो कि मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और BSc मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए, जो कि जनरल OBC के लिए 50% है और 45% SC ST कैंडिडेट के लिए है, और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर PNDU के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर SEC, यहाँ पे ITI एंड होल्डर बॉयलिंग कंपटेंसी का सर्टिफिकेट और BSc विद बॉयलर अप्रेंटिस के लिए। अप्रेंटिस के लिए दोस्तों कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके से और आगे भी कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर टेक्निकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और जैसे कि परसेंटेज का मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ, जनरल OBC के लिए 50% और SC ST के लिए 45% है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस उसी रिलेटेड ट्रेड के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना सबसे पहले चाहूँगा कि जो इसका जो है, जैसे कि एज क्राइटेरिया जो है, एज जो है इसमें दोस्तों, एज लिमिट दोस्तों ये देख लीजिए। सबसे पहले सर्टिफिकेट इशू बाय ए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर पासिंग मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी शैल बी ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ प्रूफ ऑफ एज। एज के लिए जैसे आपका मैट्रिक का हो गया, हायर सेकेंडरी का हो गया, वही एक्सेप्टेबल होगा। मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 26 ईयर है, जो कि बेस डेट है 30/9/2021 को आपको मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 26 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। इससे कम या ज़्यादा पे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन 5% फॉर SC ST को रिलैक्सेशन मिलेगा और 3 ईयर्स OBC को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ री नॉकिंग एलिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको यहाँ पे बताया, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एंड मीटिंग एज सभी कुछ दोस्तों 30/9/2021 के हिसाब से आपका कैलकुलेट होगा। पे एंड वर्क्स के लिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, बिसाइड बेसिक पे जो आपका रहेगा उसी के ऊपर आपका DA, अदर अलाउंस सच ए बेनिफिट इंक्लूडिंग HRA, हाउसिंग अकोमोडेशन, एफेबिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रॉस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, ठीक है, कंट्रीब्यूटरी सुपरमिनेशन बेनिफिट फंड स्कीम, हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस कन्वेंस एंड एडवेंचर मेंटेनेंस एंड रिम्बर्समेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन लॉन्च एज पर द कॉपरेशन रूल, जो भी IUCL के अकॉर्डिंग होगा वो आपको पूरी तरह से दिए जाएंगे। सिलेक्शन मेथोलॉजी में दोस्तों, द सिलेक्शन मेथोलॉजी विल कंबाइन रिटन टेस्ट एंड स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट SPPT, द SPPT विल बी क्वालिफाइंग नेचर। SPPT जो आपका होगा, मतलब स्किल जो ये SPPT है कि स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट टू क्वालिफाइंग फॉर फर्दर कंसिडरेशन। आपको मिनिमम जो है 40% मार्क्स आपको क्वालिफाई करना होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट विल बी रिलैक्स बाई 5% फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST एंड PWD।
5% जो दोस्तों यहाँ पे जो आपको जो जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो SC ST और PWBD कैटेगरी के लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर नोटिफाइड पोस्ट एट गुवाहाटी रिफाइनरी बरौनी, इन जगहों के लिए दोस्तों जो भी रिटेन टेस्ट होगा वो उसी ही लोकेशन पे होगा। जैसे आपने जो भी लोकेशन के लिए आप फॉर्म को फिलअप करेंगे उसी लोकेशन पे आपको रिटेन टेस्ट भी देना होगा। ठीक है, एंड रिटेन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट कोलकाता, दिल्ली, पानीपत एंड दिल्ली एंड भुवनेश्वर रिस्पेक्टिवली। एग्जैक्ट वेन्यू डिटेल विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द एडमिट कार्ड। और जो भी आपको वेन्यू होगा, वेन्यू पे आपको एडमिट कार्ड पे आपको वेन्यू की डिटेल पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो आपको डेट के बारे में बता दूं कि इसकी लास्ट डेट क्या है, इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हैं दोस्तों जो कि आप देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, रूल गाइडलाइन एज मे बी प्रेस्क्राइब द गवर्नमेंट फ्रेम बाय द कॉपरेशन फॉर्म टाइम टू टाइम शैल अप्लाई। कैंडिडेट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द कोरिकुलम एडेंडम नोटिस CTC, आपको नोटिस या कोई भी चीज़ के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है www.iucl.com, ठीक है, इस साइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ए कैंडिडेट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ स्किल प्रोफेंसी फिजिकल टेस्ट इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर कैंडिडेट प्रोफेंसी फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फाइलिंग द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द स्किल प्रोफेंसी फिजिकल टेस्ट। द कैंडिडेट इफ ऑफर्ड एन अपॉइंटमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रॉपर रिलीज ऑर्डर फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विदाउट विच दे विल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन। जनरल EWS के लिए जो दोस्तों जो इसकी फीस है, जनरल EWS OBC के लिए वो 150 रुपीज़ की फीस है, जबकि 150 रुपीज़ की फीस है। ठीक है, जो कि आपको SBI के थ्रू आपको करनी होगी। द पाथ ऑफ एक्सेसिंग एंड पेइंग फी ऑफ द SBI ई कलेक्ट पोर्टल एज द फॉलो, जो आपको ऑनलाइन www.onlinesbi.com SBI कलेक्ट, इस पर आपको अपना फॉर्म का फीस को देना होगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट जो इसकी है वो 12/10/2021 है, शाम को 5 बजे तक। फिर आपको इस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के बाद में दोस्तों इसकी हार्ड कॉपी को भी ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको भेजना होगा, जिसकी लास्ट डेट जो है 23/10/2021 रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भेजने होंगे, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म साइन करके एक कलर फोटोग्राफ भेजना होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है इन सब चीज़ों का, इनके आपके अकॉर्डिंग आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड करके आपको डॉक्यूमेंट भेजने होंगे। और आपको इफ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ ए कैंडिडेट अलॉन्ग द डॉक्यूमेंट मेंशन ए क्लॉज नंबर 5 एवर इज नॉट रिसीव बाय द रिफाइनरी अप्लाइड फॉर 23/10/21 बाय द ऑर्डिनरी पोस्ट। ठीक है, अगर ये 23/10/21 तक आपका पहुंच जाता है, ठीक है, आपको इसको आपको भेजना ही इसकी लास्ट डेट है, और 24/10/21 पर आपका इसका जो रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, वो भी आपका होगा। अगर कुछ अगर डेट एक्सटेंड होती है तो भी आपको समय के साथ आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इन जगहों की दोस्तों ये देखिए रिफाइनरी के एड्रेस हैं, इसको आप अपना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस में भी आप करना चाहते हैं वहाँ का ये एड्रेस है, आप यहाँ पे इसको फिल कर दीजिए दोस्तों। और आपको कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो पे कमेंट करें, आपको उसका सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।